जब हम अपना घर छोड़ते हैं यानी किसी वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। हाँ, हमारा सामान तो सारा शिफ्ट हो चुका होता है बट कोई खास चीज ऐसा लगता है पीछे छूट गई। हमारी यादें, हमारा घर, उस घर के साथ हमारा लगाव। आप मानो या ना मानो, जब हम शिफ्ट करते हैं पीछे मुड़के एक बार उस खाली घर को देखते हैं तो उस घर को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, एक लगाव सा हो जाता है। हाँ, अगर आप काफी टाइम से, काफी लंबे समय से एक ही घर में रह रहे हैं और आपका कोई प्लान नहीं है शिफ्ट करने का तो वो अलग बात है। लेकिन जो लोग रेंट पे रहते हैं मेरी तरह, जो मतलब जिनका अभी खुद का घर नहीं है सिटी में, उनको एक बार नहीं कई बार शिफ्ट करना पड़ता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। और जब हम घर छोड़ के जा रहे होते हैं नए घर में तो कहीं ना कहीं वो पुराना घर भी हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि अकेले हम ही नहीं है जिसे उस घर से लगाव हो गया था, बल्कि वो घर भी है जिसे हमसे लगाव हो गया था। और इस प्रोसेस की सबसे अजीब बात यह है, जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो बाकी लोग ऐसे घूर के देखते हैं मानो हम चोरी करके जा रहे हो। चलो बहुत देर से देख रहे हो, अभी तुम्हें बताता हूँ। काम धंधा नहीं है क्या? भागो यहाँ से। शिफ्ट करने के बाद हमें काफी सारी दिक्कतें आती हैं नए घर में। घर में मन न लगना, बार बार पुराने घर की यादें दिमाग में घूमती हैं। एक टाइम पे हमारा दिमाग ही नहीं, हमारी बॉडी को भी ये हैबिट हो जाती है कि हमें कहाँ जाना है। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, उस दिन के जस्ट एक दिन पहले हमने शिफ्ट किया था। मैं सुबह स्कूल के लिए निकला तो नए घर से ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल गया, मैंने तो शिफ्ट कर लिया था, और मैं बिना कुछ सोचे वापस उस पुराने घर में चला गया। वो पूरा घर खाली पाके मैं सोच में पड़ गया, ये सब कैसे हुआ। फिर मुझे याद आया, हमने तो शिफ्ट कर लिया था। मैं भगता हुआ वापस अपने नए घर गया। अब आप मानो ना मानो, आपका चाहे खुद का घर हो या रेंट पे रहते हो, आपको कभी ना कभी तो ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा। और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो इसका मतलब है आप एकदम नॉर्मल इंसान हो। हाँ, जानता हूँ आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है एक एनिमे मूवी की, ड्रिफ्टिंग होम। मैंने जो आपको कहानी बताई या फिर जो भी बात वीडियो शुरू होने से पहले मैंने कही, वो सब इस मूवी से रिलेटेड ही है। 2022 की ये मूवी कुछ खास तो नहीं थी बट इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। एक बहुत ही पुरानी अपार्टमेंट को तोड़ा जाने वाला था, इसीलिए उसमें रह रहे लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। उस अपार्टमेंट में दो बच्चे भी रहते थे जो कि मूवी के मेन लीड्स भी कह सकते हैं, जिन्हें उनकी यादें जुड़ी हुई थी उस पुराने घर से, इसलिए वो कभी कभी वहाँ जाकर खेलते थे। लोग उसे भूतिया घर भी कहते थे, लेकिन अपने हीरो के लिए तो एक घर था क्योंकि उसके साथ सारी यादें जो जुड़ी थी। पर ऐसे ही काफी बच्चे वहाँ एक दिन खेल रहे होते हैं उस अपार्टमेंट में, तभी अचानक वो सभी अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक फैला हुआ बस वेस्ट सी था। वो बिल्डिंग उस समुद्र में तैर रही होती है, और मूवी यही है कि कैसे वो बच्चे वहाँ से बाहर निकल पाएंगे और कैसे दोनों प्रोटैगनिस्ट अपनी पुरानी यादों को गुड बाय कह पाएंगे। मूवी में उस बिल्डिंग की स्पिरिट भी दिखाई जाती है। एक अलग ही कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की गई है मूवी में कि जिस तरह हम लोगों को अपने घर से लगाव हो जाता है, उसी तरह हमारे घर को हमसे लगाव हो जाता है। जिस तरह हम अपने घर को देख सकते हैं, उसी तरह हमारा घर भी हमें देख सकता है। और मूवी का ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। ये मूवी आपको ज्यादा मजा तो नहीं दे पाएगी बट हाँ, पुरानी यादें जरूर ताजा कर देगी। मूवी की एनिमेशन और म्यूजिक ठीक ठाक है, आपको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, परफेक्ट नहीं कह सकते कि छोटी मोटी गलतियां तो हर किसी में निकल ही आती है, क्योंकि मूवी कुछ भी फालतू की चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको मूवी देखने में दिक्कत हो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बोर जरूर कर सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में जिसमें आपको अकेले बैठ के देखना पड़े, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो आराम से। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ओनली जैपनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी में सब कुछ नहीं है, ये मूवी आपको सब कुछ नहीं देती है, ये अगर कुछ कर सकती है तो वह पुरानी यादें ताजा करना। तो अगर आप लोगों को भी अपनी पुरानी यादें ताजा करनी है और अगर आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो फिर तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने भी 2022 में कोई बढ़िया मूवी देखी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। और अगर आप चाहते हो उस मूवी से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट बोले जाए वीडियो में तो आप इंस्टाग्राम पे आकर वो सारी बातें मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।